रू भाई क्या तगड़ा है हमारे टर्की के इस होटल रूम से, सामने पहाड़िया ही पहाड़िया। फिर एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 17 जून 2023। मैं हूँ अभी टर्की के एक खूबसूरत शहर, नाम पढ़ा नहीं जा रहा, स्क्रीन पर लिख दूंगा, डोगू बिजैट करके। तो कल हमने भाई ईरान टर्की बॉर्डर क्रॉस किया था, ये बाजारगान करके एरिया था ईरान में, वहां से हम क्रॉस करके टर्की एंटर किए थे। 30-35 किलोमीटर आगे ही ये शहर था जहाँ पर अभी हम फिलहाल रुके हुए, क्योंकि कल भाई बॉर्डर पे ही ना 5-5.5 घंटे लग गए पूरा। मतलब गाड़ी खुलवा दी थी, सब कुछ सामान वगैरह बाहर निकलवा दिया, एक्सरे स्कैनिंग हुई गाड़ी की, तो वो सब पिछले ब्लॉग में आप देख लेना, मैंने पूरी डिटेल में बताया। अभी फिलहाल होटल जहाँ पे लिया ना वहाँ पे फ्री ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर निकलते हैं भाई टर्की में। आज अपना पहला दिन है, मजे आने वाले हैं। ईरान की तरह ना भाई टर्की के होटलों में भी ऐसे ऑटोमेटिक सेंसर वाली लाइट है, जैसे ही मैं इसके आगे जाऊंगा एकदम से जल जाएगी। अभी यहाँ पे हर जगह की लाइट बंद पड़ी है, जैसे ऐसे आगे चलता जाऊंगा एकदम से ऑन होती जाएगी, तो सही है भाई बिजली बचाने का। एंड होटल काफी अच्छा था भाई, अभी रूम टूर तो छोटा सा ही था, क्या ही देना था। होटल हमने इसके लिए $45 पर नाइट पे करे थे, यानी इंडिया के अराउंड 4,000 नहीं 3,500 के आसपास। रेस्टोरेंट वन एंड ईरान पे ना कहीं पे भी स्पा या फिर मसाज सेंटर नहीं थे, लेकिन टर्की आते ही आ गया, तो हमाम जो है ना, हमाम का मतलब है मसाज, तो वही बुफे सिस्टम होगा ब्रेकफास्ट में भी। जी हाँ यार, कल तो लोग दिख नहीं रहे थे यहाँ पे, अब ब्रेकफास्ट पे इतने लोग हैं। वही नॉर्मल होता भाई, फ्रूट सब्जियां, ये पता नहीं क्या है, छोले भी है, बाकी जैम वैम है ब्रेड के साथ लगा के खाना चाहो तो, ये पनीर है, यहाँ पे अचार वगैरह दे रखा है, पैकेट फूड नीज है, केचप है, और इधर अपना वही कॉफी चाय और जूस होगा, जूस तो नहीं है, कॉफी चाय है शायद, खास नहीं यार यहाँ का ब्रेकफास्ट, वही फ्रूट से ही काम चलाना पड़ेगा। एंड ईरान में अलग टाइप की रोटी चलती थी, यहाँ पे इस टाइप का ये बंद सा चलता है, सूखा सा ठंडा, कौन खाएगा भाई ये। तो ये ले लिया भाई थोड़ा बहुत, तो चलो पेट भर ही जाएगा रस्ते के लिए आज। ये ना कुछ ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, मतलब गांव टाइप का ही है, बट बिल्कुल गांव भी नहीं है, ऐसे पिछड़ा सा। एडवांस टेक्निक यूज करते हैं भाई, सुपरमार्केट हम गए थे ना, ये नीचे ही ओपन में अपनी स्कॉर्पियो खड़ी है, पार्किंग ही नहीं की है होटल वालों की है। ये भाई छोटू सा रूम था, सिंगल सिंगल दो बेड लगे हुए थे, एंड वैसे तो टेम्परेचर अच्छा होता है तो होटलों में एसी नहीं होता, बट इस वाले होटल में फिर भी एसी था और चल भी रहा था। ये एक बाथरूम है छोटू सा, जेट स्प्रे हमें यहाँ भी मिलेगा क्योंकि ये टर्की है। बस अब यूरोप में एंटर करने के बाद ये पिचकारी बंद, हमारे पास है एक जुगाड़, वो लेकर आया, उसी को यूज करा करेंगे यूके में भी और पूरे यूरोप में भी। भाई यहाँ रिसेप्शन को ना रेसिपिसियन कहते हैं। और एक चीज और अच्छी है भाई, ईरान में ना कहीं पे भी इंटरनेशनल कार्ड कोई भी नहीं चलता था, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, बट टर्की में हमारा कार्ड चल जाएगा, तो अब यहाँ पे हमें कैश पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। वैसे तो यहाँ की करेंसी है टर्किश लीरा TL, बट हम यहाँ पे अपने FI वाले कार्ड से पेमेंट करेंगे, कार्ड पेमेंट यस। तो $45 की पेमेंट करनी है, होपफुली हो जाए उससे। एंड हमने भाई पिज्जा भी लिया था, तो टोटल यहाँ का 1350 टर्किश लीरा का बिल बना है। एक टर्किश लीरा में 4 इंडियन रुपीज होते हैं, तो लगभग लगा लो वही 5,200 रुपए विद रूम एंड फूड पिज्जा वीजा। ओके तो लेट्स सी भाई कार्ड वर्क करता है या नहीं, फिंगर्स क्रॉस्ड काम कर जाए तो मजा आ जाएगा, प्लीज कर जा, डन ओके हाँ हो गया हो गया। हाँ चलो भाई शुक्र है, क्योंकि मेरे ना सारे डॉलर खत्म पड़े थे, सिर्फ बैंक अकाउंट में ही पैसे है मेरे पास, तो अब मेरी टेंशन खत्म हो गई, अब इससे काम करा करूंगा FI कार्ड से। ओके थैंक यू सो मच या भाई। ये होटल था भाई अपना ग्रैंड अगा, लिखा तो है 3-स्टार होटल पर, पता नहीं है या नहीं, मतलब अंदर से तो ऑब्वियसली अच्छा था नो डाउट, बट महंगा है। और वो जो मैं सिटी बता रहा था ना वो उधर की साइड है पीछे, हमें मेन हाईवे पे ही आके होटल मिला, अंदर सिटी के होटल ही नहीं थे, एक दो थे वो भी अजीब से थे, तो इसलिए रोड पर ही आ गए। बट अभी सिटी में हमें जाने, क्योंकि सिम कार्ड खरीदनी है भाई टर्की की यहाँ पे, क्योंकि आज और कल पूरे दिन ट्रैवलिंग होने वाली है। और यहाँ पे सीन क्या है, मैंने गूगल पे पढ़ा कि 6 बजे तक ही सिम कार्ड एक्टिवेट होती है, 6 बजे के बाद कोई भी शॉप वाला सिम कार्ड आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि कल भी हम रात को गए थे 7:30-8 बजे, उन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, फटाफट से सिम लेके ही निकलेंगे। जो भी प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ कितने का है। और आज का ये जो सफर होने वाला है ना हमारा, वो है भाई बॉर्डर वाले इस टाउन से एर्जिकैन करके, जो कि एक सिटी है सेंट्रल टर्की में, अराउंड 462 किलोमीटर है, गूगल मैप 6 घंटे दिखा रहा है, वही रुकते रुकाते 7-8 घंटे में पहुंच ही जाएंगे। बाकी रोड कंडीशन कैसी है टर्की की, ईरान जैसी है, ईरान से बेटर है, वो सब आज के ब्लॉग में दिखाऊंगा। हमें ना एक्चुअल में कैपाडोकिया जाना है, और वहीं पे हम 3-4 दिन का स्टे करने वाले हैं, बट कैपाडोकिया यहाँ से लगभग 1180 किलोमीटर है, बीच में ये सिटी पड़ रही है एर्जिकैन करके, यहाँ पे आज का नाइट स्टे करेंगे और कल यहाँ से हम जाएंगे फिर कैपाडोकिया। उसके बाद आपको कैपाडोकिया अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊंगा, सारी टूरिस्ट स्पॉट्स भी दिखाऊंगा, वहाँ पे हॉट एयर बैलून में भी हम जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है। एंड टर्की का आपको मैं रूट समझा दूं, देखो हमने यहाँ बॉर्डर से शुरू किया है, हम जाएंगे एंजरिका करके, फिर कैपाडोकिया, कैपाडोकिया के बाद अंकारा जाएंगे, अंकारा से जाएंगे हम इस्तांबुल, एंड इस्तांबुल के आगे ही ये बल्गेरिया का बॉर्डर है जिससे हम यूरोप में एंटर कर जाएंगे। कल हमारा टायर पंचर हो गया था जो यहाँ पे लगवाया भाई, 1200-1300 रुपए ले लिए पंचर के, एंड हवा भी ज्यादा भर दी 43, तो अभी हल्की सी निकालनी पड़ेगी वरना दिक्कत हो सकती है, बाकी में तो 37-37 सही है। एंड भाई ईरान में मैंने ये ट्रिप ए रीसेट करी थी, तो टोटल 2798 या फिर 2800 किलोमीटर आप लगा लो ईरान में हमने अपनी स्कॉर्पियो को चलाया है। और ट्रिप बी जो है वो टोटल है दिल्ली से जब हम मुंबई के लिए निकले थे, एंड टोटल करके तो ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर चला लिया हमने इस ट्रिप में, तो ट्रिप
पे को भाई रीसेट कर देते हैं वापस से, ताकि टर्की का हिसाब लगा सके हम। मैंने पहले भी आपको बताया था हमारा कुछ 20,000 से 25,000 किलोमीटर के बीच में गाड़ी चलने वाली है इस ट्रिप के दौरान। इसमें मेजर पार्ट हमारा यूरोप एंड यूके में चलेगा, और टर्की में शायद से हम 3,000 के आसपास किलोमीटर तो करेंगे, 3,000 प्लस ही जाएगा। चलो बाकी भाई देर नहीं करते, फटाफट जाके सिम कार्ड खरीदते हैं यहाँ का। और काफी लोग कह रहे थे डैश कैम लगाओ, तो भाई देखो लगा रखा है डैश कैम, आगे भी लगा हुआ है एंड पीछे की साइड भी लगा हुआ है, शायद दिख जाए आपको वो देखो सूटकेस के बीच। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ना उस दिन इसमें एचडी कार्ड नहीं डाला हुआ था, तो मैंने कल एचडी कार्ड डाल दिया भाई इसमें फाइनली, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये है भाई यहाँ का मेन सिटी सेंटर, काफी सारी शॉप्स है एंड भाई देख रहे हो दुकानों के नाम भी पूरे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हालांकि वो इंग्लिश प्लस टर्किश लैंग्वेज है। यहाँ पे लोगों को ईरान से तो ज्यादा इंग्लिश आती है। बाकी गाड़ी के लिए अपनी पार्किंग मिल गई, लॉक कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ इसलिए रुके क्योंकि यहाँ पे एक वोडाफोन का स्टोर मिल गया। हाँ जी भाई साहब देख रहे हो वोडाफोन जो है वो टर्की में भी चलता है, तो इनसे पूछते हैं टूरिस्ट के लिए क्या ऑफर है सिम कार्ड के, कितने का क्या मिलेगा। ओ भाई साहब बहुत बड़ा स्टोर है यार ये, तो देख रहे हो फोन वोन भी मिल रहे हैं, एमआई भी मिलता है भाई यहाँ। वाह यार एमआई ने तो पूरे वर्ल्ड में जो है तहलका मचा रखा है। दिस इज फॉर टूरिस्ट टूरिस्ट भाई, वोडाफोन तो यहाँ पे बहुत महंगा है, इंडिया में भी महंगा ही था पहले, 600-600 रुपए एक एक जीबी के लेते थे मंथली, तो हम यहाँ से नहीं ले रहे भाई, 2400 रुपए में पड़ रहा है अपना 20 जीबी, कौन लेगा इतना महंगा। हमारा 20 जीबी भाई 2 दिन में लग जाता है 2 व्लॉग अपलोड करने में, तो 1200 रुपए एक व्लॉग हम सिर्फ अपलोड करने के लगाएंगे, फायदा नहीं है ना। हालांकि यहाँ पे वाईफाई अच्छे है, जिस होटल में हम रुके हुए थे ना 40-50 एमबीपीएस की स्पीड आ रही थी अच्छी, बट स्टिल भाई सिम होनी चाहिए रस्ते के लिए और अपलोडिंग के लिए, तो ये प्लान्स है। महंगा है यार, पता नहीं हमें महंगा दे रहे हैं क्या सीन है, कोई नहीं चलो दूसरी शॉप देखते हैं। कोई गाड़ी को तो वहीं खड़ा कर दिया भाई, पैदल पैदल ढूंढ रहे हैं कोई और शॉप मिल जाए अगर सिम कार्ड की, कहीं सुपर मार्केट में मिल जाए। तो एक ये मोबाइल की शॉप मिली है इनके पास, 600 लीरा जीबी हाउ मच डेटा डेटा जीबी इंटरनेट हाउ मच 20 जीबी। दिस इज वोडाफोन वोडाफोन तुर्क टेलीकॉम, महंगा ये तो और महंगा दे रहा है। जो टर्किश लैंग्वेज है ना उसमें इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज होता है, ये देखो हर जगह जैसे फारसी और अरेबिक में अलग अल्फाबेट्स होते हैं ना, यहाँ पे इंग्लिश का यूज होता है। वापस से पूरा सिटी सेंटर घूम के वोडाफोन वाले स्टोर में आ गए हैं सिम कार्ड, क्योंकि सबसे सस्ती यहाँ पे यही दे रहे हैं। हालांकि टर्की में वोडाफोन महंगा है, बट स्टिल इस सिटी में हमें वोडाफोन ही बेस्ट मिल रहा है। 600 लीरा में 20 जीबी इंटरनेट एंड 600 मिनट की टॉक टाइम लोकल, अपने मतलब टर्की में, तो 600 लीरा का मतलब हो गया 2400 रुपीज की सिम पड़ रही है सिर्फ 20 जीबी 5G डेटा के साथ। बट फायदा यह है कि इसके बाद जो अगला रिचार्ज होगा ना 30 जीबी का, वो सिर्फ 110 लीरा का, यानी कि 500-600 रुपए में 30 जीबी मिल जाएगा, तो वो ज्यादा सही रहेगा। अभी के लिए हम 20 जीबी ले रहे हैं, अब रिचार्ज आगे जाके करवा लेंगे। इंडिया हिंदुस्तान टूरिस्ट टर्की में ना ये डिवाइस बहुत चलता है वाईफाई वाला, एक डिवाइस ले लो और सारे अपने कनेक्ट कर लो इसी से, वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह काम करता है ये। इंडियन हिंदुस्तान इंडिया ओके। तो वैसे तो यहाँ लोकल्स के लिए इंटरनेट सस्ता है, बट हमारे टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पे भाई मिले, व्हाट्स योर नेम ओके भाई, मैंने चैनल सब्सक्राइब करा तो भाई ने ना मेरी गाड़ी देखी और बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, तो भाई हैरान हो गए। यू लाइक इट गुड ओके गुड ओके बाय ब्रो बाय। तो ये भाई की कार है, वो अपनी स्कॉर्पियो एन खड़ी है, तो मस्त रिएक्शन आते हैं भाई लोगों के गाड़ी देख के। एक तो इंडियन ब्रांड है, ऊपर से नंबर प्लेट इंडियन है ना, तो HR नंबर दूसरे देशों में भी ऐसे नाम रोशन कर रहा है मस्त। व्हाट नॉर लेमन ओके थैंक यू यस थैंक यू फॉर दिस ओके बाय। भाई ने बताओ लेमन ला के दे दी, लेमन या जो भी है, पर ठंडी बहुत है। टर्की में आते ही भाई खातिरदारी शुरू हो गई है, ईरान में भी लोगों ने बहुत करी थी और टर्की में भी देखने को मिल रहा है।